आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में अविश्वास प्रस्ताव हुआ पास। सरपंच व उपसरपंच दोनों बर्खास्त, ग्राम पंचायत पुलिस छावनी में तब्दील। भारी मात्रा में पुलिस बल रहा तैनात, आपको बता दे की गत माह 24 अप्रैल को ग्राम पंचायत डग के 19 वार्ड पंचों ने जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी व समक्ष सरपंच हेमकुंवर व उपसरपंच सुरेश कुमावत के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन पेश किया था, जिसके चलते आज 12 मई दोपहर को इस संदर्भ में निर्वाचन अधिकारी कमल कुमार मीणा की अध्यक्षता में बैठक व मतदान का आयोजन हुआ, जिसमें अविश्वास लाने वाले 19 वार्ड पंच व एक वार्ड पंच सुरेश कुमावत ने भी हिस्सा लिया, यानी कुल 20 वार्ड पंचों ने बैठक में हिस्सा लिया और उपसरपंच ने मतदान का बहिष्कार किया, यानी 19 वार्ड पंचों ने मतदान किया जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में सरपंच व उपसरपंच के विरुद्ध मतदान किया, जिसके चलते सरपंच व उपसरपंच दोनों को बर्खास्त कर दोनों का पद फिलहाल रिक्त कर दिया गया। बैठक व मतदान के दौरान पुलिस की माकूल व्यवस्था रही। पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी व डग थाना अधिकारी अमरनाथ जोगी पल-पल स्थिति का जायजा लेते रहे। आरएसी की टुकड़ी भी तैनात रही। अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए ग्राम पंचायत के आसपास की दुकानों को बंद करा दिया गया, जिस दौरान तहसीलदार सुनील कुमार गंगम, ग्राम विकास अधिकारी भावर सिंह, विकास अधिकारी डॉक्टर भानु मौली मौर्य आदि मौजूद रहे। खबर आपकी राजस्थान से, आबिद हुसैन की रिपोर्ट। आज ग्राम पंचायत डग में सरपंच साहब और उप सरपंच साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था, तो इसे तो अध्यक्षता करने तो मुझे सीओ साहब ने नॉमिनेट किया था, तो आज जो सरपंच साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की है तो कार्यवाही संपन्न हुई है और इसमें कुल 20 सदस्यों ने भाग लिया। 20 सदस्यों में से 19 ने मतदान किया, एक उप सरपंच साहब है सुरेश कुमावत, उन्होंने मतदान नहीं किया। इस प्रकार कुल मत 19 डाले गए और सभी 19 मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में डाले गए, ऐसे में सरपंच साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। उप सरपंच को लेकर उप सरपंच साहब के खिलाफ दूसरे चरण में हमने अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही की, तो उसमें भी प्रस्ताव पर चर्चा और विचार विमर्श के बाद मतदान की प्रक्रिया की गई, उसमें भी 19 जो वार्ड पंच हैं उन्होंने मतदान किया और 19 ने ही अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, ऐसे में सरपंच एवं उप सरपंच दोनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आज यहाँ वार्ड पंचों ने पारित किया है। सर, इसका नया प्रभार अब कैसे क्या रहेगा, आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे की कार्रवाई है, इसके लिए हम बैठक कार्रवाई विवरण अभी बना के श्रीमान सिंह साहब को अग्रसित करेंगे, जैसा भी वहाँ से निर्देश होगा उसके अनुसार करेंगे।